Hello friends, welcome back once again in my YouTube channel Unique Civil, and Unique Civil means make yourself unique in civil engineering. Okay दोस्तों, तो आज का ये जो लेक्चर है ये सेकेंड लेक्चर है. जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो दूसरे लेक्चर को भी करता हूँ. और एक और चेंजिंग मैंने किया इस लेक्चर में, वो चेंजिंग ये है कि मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया है. क्योंकि ड्यूरेशन इसलिए बढ़ाया है जिससे कि आपको इजिली आपको मटेरियल मिल सके कि वन डे में कितने मटेरियल को प्रैक्टिस करना है. इसलिए मैंने सोचा है कि आपको कम से कम हाफ एन आवर तक की मटेरियल दिया जाएगा जिससे आपके ऑटोकैड को मैं जल्दी खत्म करके स्टैट प्रो पे भी जा सकूं और रैबिट पे भी जा सकूं. और भी कई रीजंस हैं. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो कमांड है रेक्टेंगल कमांड. रेक्टेंगल की जो शॉर्टकट की है वो आर ई सी. आपको यहाँ से लेना है या डायरेक्ट आपको आर ई सी एंटर करना है. और एंटर करने के बाद में तो क्लिक करना है एंटर. और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करके जिस एक्सिस पे जाएंगे आप उस एक्सिस की तरफ आप माउस को करिए. फिर आपको फर्स्ट डिस्टेंस डालना है. फर्स्ट डिस्टेंस किधर जाएगा? फर्स्ट डिस्टेंस एक्स एक्सिस में जाएगा. कहाँ जाएगा? एक्स. एक्स क्या है? ये देख रहे हैं, ये एक्स और ये वाई. ये एक्स और ये वाई. तो हमने क्या किया, एक्स में गए. हमने कहा एक्स में हमको 20 जाना है. हमने 20 किया. और इसके बाद हमने क्या किया, टैब बटन क्या यूज किया हमने, टैब. और उसके बाद वाई में कितना जाना है, वाई में भी हम सपोज 20 जाना चाहते हैं या हम 30 जाना चाहते हैं. बन गया. चलिए देखते हैं, इसको छोटा करिए. स्क्रॉल माउस के बटन, मिडल बटन जिसको स्क्रॉल बोलते हैं, स्क्रॉल से आप इसको छोटा कर लीजिए और इस तरीके से आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगा. बेसिकली रेक्टेंगल बनाना बड़ा ईजी है. तो मैं फिर से बताता हूँ. और यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लीजिए, क्लिक करिए और फर्स्ट डिस्टेंस डालिए. सपोज अगर मैंने डिस्टेंस लिया 50, टैब सेकेंड डिस्टेंस 40. और ये देखिए आपके सामने एक रेक्टेंगल. इसको छोटा कर रहा हूँ, पेज छोटा नहीं हो रहा है. तो बस यहाँ पे जेड इंटर आ गया. अभी मैं आपको बताऊंगा पेज को कैसे लिमिट सेट करते हैं पेज की. वो थोड़ा आगे का लेक्चर है, बट अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हो. ओके, अब इसके बाद यहाँ पे एक दूसरी कमांड होती है जिसका नाम है पॉलीगॉन. ठीक है, पॉलीगॉन. पॉलीगॉन कमांड क्या करता है, ये हेक्सागन बनाता है, हेक्टागन बनाता है, पेंटागन बनाता है. तो अभी मैं हेक्सागन बनाने जा रहा हूँ. उसने नंबर ऑफ साइड्स मैंने ले लिया कितने, 6. और 6 लेके इंटर कर दिया. ट्रायंगल भी बना सकते हो, 3 नंबर ऑफ साइड लगाओगे ट्रायंगल बनेगा. क्लिक किया, यहाँ पे दो आते हैं, एक आता है इनसब्सक्राइब इन सर्किल, एक आता है सर्कम अबाउट सर्किल. अब क्या होता है, इंटरव्यूअर कभी कभी पूछ लेता है फ्रेंड्स की इनसब्सक्राइब इन सर्किल में और सर्कम अबाउट सर्किल में डिफरेंस क्या है. और आप कंफ्यूज हो जाते हो, अच्छा इसमें ऐसा था सर्किल टच होता था, उसमें सर्किल टच होता था. बहुत ही छोटी सी चीज है बट आपको इंटरव्यू में फंसा देती है. तो उसके लिए क्या करना है, हमको इनसब्सक्राइब इन सर्किल पे क्लिक करना. और क्लिक करके आप यहाँ पे ऑर्थो ऑन रखना तो बेटर रहेगा. तो यहाँ पे आपको रेडियस देना है. सपोज हमने रेडियस दे दिया, इनसब्सक्राइब लिया हमने, ध्यान देखिए इनसब्सक्राइब लिया और इसको लेके एंटर कर दिया. इसमें क्या होता है, पॉलीगॉन हमारा अंदर रहता है. क्या रहता है, पॉलीगॉन अंदर रहता है और सर्किल हमारा जो है इसके कॉर्नर कॉर्नर को टच करता है. मतलब इसको टच करता है, इसको टच करता है, इसको टच करता है. ठीक है, याद रखिएगा इनसब्सक्राइब इन सर्किल में बार बार बता रहा हूँ, पॉलीगॉन हमारा अंदर रहेगा, सर्किल हमारा बाहर रहेगा. अब एक दूसरा बना रहा हूँ सर्कम अबाउट सर्किल. यहाँ पे पॉलीगॉन लिया, फिर से POLY की शॉर्टकट की है और फिर से डाला नंबर ऑफ राइट साइड 6. अब क्या देखिएगा, आपको पॉलीगॉन बड़ा मिलेगा. जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमने लिया सर्कम अबाउट सर्किल. इसको जैसे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके हमने जैसे 20 डाला इंटर. देखिए ये बड़ा दिखा, ये भी 20 का और ये 20 का है. इसका प्रॉपर प्रूफ चाहिए आपको तो यहाँ पे जाइए. आपको मैंने कल पढ़ाया था, कल की वीडियो में अगर नहीं देखा तो प्लीज देखिए. और जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, जो नए लोग अभी देख रहे वीडियो को, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए. आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाला हूं मैं. और पीछे के वीडियोस में मैंने पढ़ाया भी है. यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिया. 3 पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट पे क्लिक करके सेकंड पे इन सब्सक्राइब में है ये. और इसके बाद थर्ड पे. अब इसके रेडियस को अगर आप चेक करोगे सर्किल को, तो रेडियस कितना है इसको फ्रेंड्स, 20 रेडियस है, राइट. इसी तरीके से हम लोग सेकंड देखते हैं इस वाले को. इसमें हमने 3 पॉइंट लिया, 3 पॉइंट लेके अब सर्कम अबाउट सर्किल, मतलब इसको टच करेगा अबाउट, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा. और इसके हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, ये 20 आएगा, करेक्ट. अब मुझे नहीं लगता कि आपको इनसब्सक्राइब इन सर्किल और सर्कम और सर्किल में डिफरेंस मतलब क्लियर नहीं है. और रेक्टेंगल आपको क्लियर हो ही गया होगा कि इजी है. चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं. यहाँ पे जो दूसरी कमांड है उसका नाम क्या है, इलिप्स. और इलिप्स के यहाँ पे तीन टाइप्स मतलब पहला सेंटर, दूसरा एक्सिस, तीसरा है इलिप्टिकल आर्क. चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं सबको, तीनों को. यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट सेंटर. इसमें क्या करना होता है, मेजर और माइनर, मेजर और माइनर दोनों हम लोग किसमें डालते हैं, रेडियस में डालते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक किया और क्लिक करके हमने यहाँ पे मान लो दिया, हमें यहाँ पे दे दिया 100 फर्स्ट और सेकंड दे दिया 50. देखिए प्रॉपर 100 और 50 का बन गया. छोटा करना है, फिर से मैंने बोला आर ई, आर ई मतलब होता है रीजन.
इसको छोटा कर लीजिए, और ऐसा ही है कि यहाँ पे बनाना है। पहला क्या डाला था 100, सेकंड क्या डाला 50। अब यहाँ पे देखिए एक्सिस इन, यहाँ पे पहला जो है वो डायमीटर में डालना पड़ेगा। किस में डालना पड़ेगा? डायमीटर में, बताता हूँ क्यों। देखिए मान लीजिए यहाँ पॉइंट दे रहा है, सेंटर भी कहाँ बनेगा, अभी देखिए सेंटर यहाँ है। अब डायमीटर, डायमीटर कितना होगा इसका 200, तो पहला डिस्टेंस डायमीटर में, और उसके बाद दूसरा डिस्टेंस किसमें, रेडियस में। जैसे हमने 50 क्लिक किया और ये देखिए आपका बन गया। देखिए दोनों सेम है, बट इसमें मैंने कितना डाला था 100/50 और इसमें डाला 200/50। क्यों? क्योंकि पहला डिस्टेंस इसका क्या हो जाता है, रेडियस में चला जाता है। जो डायम डालते हो रेडियस में ले लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सिस नहीं होता, और यहाँ पे हमारे पास एक्सिस, सॉरी यहाँ पे सेंटर नहीं होता, सेंटर होता है और यहाँ पे एक्सिस होता है। ठीक है, लास्ट है इसमें, अगर आपको किसी एक टुकड़े की जरूरत है, मतलब आर्क के एक टुकड़े की जरूरत है, तो आप यहाँ पे इलेप्टिकल आर्क लीजिए, और इलेप्टिकल आर्क लेने के बाद यहाँ पे आप इसलिए जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करके मैं देख रहा था कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है रिकॉर्डिंग खत्म हो गई और मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग पे क्लिक नहीं हुआ, तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा माइंड को हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट डिस्टेंस डाला 200 सपोज, सेकेंड हमने 50। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, इसमें ऑर्थो ऑफ कर देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जितना आप चल लोगे उतना आर्क आपको मिल जाएगा। देखिए जितना आप चल लोगे उतना आर्क आपका बच जाएगा, बाकी सारा आर्क कट जाएगा। मान लीजिए आपको इतने ब्रेक, इतने टुकड़े की जरूरत है, कहीं कहीं टुकड़े की जरूरत होती है ड्राइंग में, तो यहाँ पर इतने क्लिक करिए इतना ही मिलेगा। इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे, आप चाहें कि बढ़ा लें तो आप बढ़ा सकते हैं इसको। देखिए मैंने यहाँ पे इसको इतना कर दिया। ठीक है, इसका बटन दबा के हमने इसके ब्लू प्रिंट देखा, अरे वाह क्या बात है। हमने तीनों टाइप के लिस्ट देखे, तो क्या क्या देखा आप इधर, हमने देखा रेक्टेंगल, पॉलीगॉन एंड इलिप्स, खूब अच्छे तरीके से इलिप्स के सारे तीनों टाइप्स को देखे। होप आपको ये तीनों टाइप इलिप्स के समझ में आ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ आगे ट्रिम कमांड की ओर। बहुत से लोगों को पता होगा, क्योंकि लोग पहले से थोड़ा बहुत ऑटोकैड कॉलेज वगैरह में सीख लेते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत ट्रिम के बारे में आइडिया होता है, बट मैं आपको थोड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये पोर्शन जो हमारा एक्स्ट्रा है, ये हमें नहीं चाहिए, तो एक्स्ट्रा पोर्शन जो किसी को कट किया गया हो, मतलब किसी से कट किया गया, जैसे ये जो लाइन है इससे कट किया गया है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। जब कोई लाइन किसी लाइन से कट किया गया होगा तभी कर सकते हैं, मतलब कि अगर एक लाइन ऐसे खींच दिया तो इसको ट्रिम नहीं कर सकते। कैसे? देखिए यहाँ पे ट्रिम कमांड होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है ट्रिम, टी आर इंटर, लेकिन इसमें ध्यान देना होता है टी आर डबल इंटर होता है। और अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया, रिबन पैलेट पे यहाँ पर क्लिक किया है, तो यहाँ पे आपके क्या करते हो, आप ऐसे ऐसे करते रहते, होता नहीं है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, माउस को राइट क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए एक्टिवेट हो गया, तो कमांड पे क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, तब एक्टिवेट होगा ये। ठीक है, इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, भूलिएगा मत, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये लाइन किसी को कट कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। देखो ये कट हो रहा है, 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 बट ये नहीं कट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इधर से अलग है, इधर से अलग है। तो जिस तरीके से अगर किसी लाइन को कोई कट कर, आप देखिए इसको आप कट डिलीट करते रहेंगे, ट्रिम करते रहेंगे, नहीं होगा। तो करना कैसे पड़ेगा इसको, इसके लिए सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करके यहाँ पे इरेज नाम की कमांड होती है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। जो भी आपको नहीं चाहिए वो आप इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके इरेज कर दीजिए। समझ आया? ट्रिम कमांड की शॉर्टकट की क्या है, टी आर डबल इंटर या ट्रिम राइट क्लिक, और एलिप्स की, सॉरी रेक्टेंगल की आर ई सी इंटर, एलिप्स की ई एल इंटर, और पॉलीगॉन की पी ओ एल वाई। आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है, जिससे कि आप क्लियर कर सको चीज़ों को। और मैं बार बार इसको इसलिए रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि एक बार में माइंड को याद नहीं होता है, इसलिए हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट कमांड है, उस कमांड का नाम है मिरर कमांड। तो मिरर कमांड हम लोग को बताएंगे कि मिरर कमांड का क्या यूज है। मिरर बहुत ही यूजफुल है। कैसे? देखिए सपोज हमारे पास एक लाइन है फ्रेंड्स, और ये लाइन सिविल से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो नीचे कमेंट करिए। जिन लोगों ने कमेंट किया है मैं उनके एक एक टॉपिक को जरूर उन पे एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के दूंगा। कलीम को चाहिए था एक ड्राइंग, उनको भी मैं ड्राइंग देने वाला हूँ, उनके किसी इंटरव्यू में लगने वाला है। आपको भी अगर कुछ चाहिए इस तरीके से, प्रोजेक्ट चाहिए आपको, प्रोजेक्ट कॉलेज का प्रोजेक्ट सबमिट करना है किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी कॉन्सेप्ट पे, उस पर भी मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, सो आप उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए अगर इस रेक्टेंगल को, सॉरी इस सर्किल को यहाँ पे हमको मिरर कराना है, तो बार बार कॉप बनाने से अच्छा है एक बार सेलेक्ट करो और मिरर कर दो। कैसे मिरर? जैसे घर में मिरर होता है वैसे यहाँ पे मिरर होता है। देखिए कैसे, एम आई इसकी शॉर्ट की क्या होती है, एम आई, ठीक है ये लेना है। और ये लेने के बाद यहाँ मिड पॉइंट पे क्लिक करना है। मिड पॉइंट पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ऊपर या
नीचे देना पड़ता है। जैसे ही देंगे तो क्या पूछता है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर आपको सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट को इरेज करना है तो यस कर दो, नहीं करना है तो इंटर कर दो, वो नहीं होगा। करेक्ट है, फिर से देखिए, थोड़ा सा टफ होगा। जब आप नए नए अभी चलाओगे ना तो आपको लगेगा अरे सर तो बड़ा इजीली कर रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे मिरर करना है। मिरर लेके मान लो सेम चीज मुझे इधर चाहिए, तो इसके मिड पॉइंट पे क्लिक करो, क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करके इंटर कर दीजिए, हो गया। अब ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से नीचे बनाना है मिरर, और मिरर करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करके जैसे नीचे क्लिक करेंगे और ये देखिए नीचे बन जाएगा। हमने क्या क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ फिर से देखिए एक बार सेलेक्ट, मैं बार बार बताने की कोशिश जिससे आप कर सको मिरर, और यहाँ पे क्लिक करना हो क्लिक करके इधर की ओर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके इंटर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिरर कमांड को यूज करेंगे। चलिए, तो ये था ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड, जो आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, जिसका नाम है एरे। उसके थ्रू हम लोग एक ड्राइंग भी बनाएंगे और एरे कमांड को भी पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके एरे कमांड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एरे तीन टाइप के होते हैं। हर एक ऑटोकैड इंटरव्यू में, आप अगर ऑटोकैड के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये याद रखना कि रेक्टेंगुलर, पांच पोलर, तीन टाइप के एरे होते हैं और एरे आपको आना ही आना चाहिए क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, देखिए एरे का यूज कहाँ होता है। मान लीजिए अभी अभी हमने रेक्टेंगल सीखा, तो रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेके हमने यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया। अब रेक्टेंगल, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो जैसे पार्ले बिस्किट जैसा मोल्ड दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, जैसे पार्ले का बिस्किट का मोल्ड होता है, मोल्ड सब सांचा जिसके अंदर पार्ले जी का बिस्किट बनता है, ऐसा ही कुछ मोल्ड दिख रहा है। अब मुझे ऐसे ही सपोज 150 या 100 मोल्ड्स बनाने, कितने मोल्ड बनाने हैं, 100 मोल्ड्स बनाने हैं। तो अब उसके लिए आप बार बार सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, थक जाओगे यार। ठीक है, कितना टाइम नहीं लॉस करना है, क्यों सॉफ्टवेयर चलाते क्यों है, बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी एंड टाइम सेविंग। किस लिए चलाते हैं, एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड अगर कोई पूछता है तो बोलो एक्यूरेसी है भाई और टाइम सेविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना और यहाँ पे आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। जैसे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉलम देना है कि कितने नंबर आप कॉलम आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 कॉलम दिए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट रो कितने दिए हुए हैं, 3 रो दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको एडिट करना है एडिट कर दीजिए, कॉलम पे जाइए, यहाँ पे जाके 10 इंटर। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे देखेंगे 10 कॉलम्स बन गए। यहाँ पे जाके आप जैसे रो पे क्लिक करोगे, रो को आप दोगे, सपोज आपको रो चाहिए कितने 10, क्योंकि 10 × 100, तो हमने 10 10 दे दी दोनों को। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिटवीन गैपिंग। अब इनके बीच में बिटवीन गैपिंग कितनी है, ठीक है, तो इनके बीच में बिटवीन गैपिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमने उसको कम करने की कोशिश किया, चलो 152 है तो हमने कर दिया 135, ये देखिए पास पास आ गए। अब इससे क्या होगा कि हमारी ड्राइंग जो है उसका पेपर शीट भी बचेगा, प्लस अगर हम इसको रियल लाइफ में भी अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फालतू में जो एक्स्ट्रा मोल्ड बीच के होंगे वो बेकार नहीं जाएंगे, उनका भी वेस्टेज नहीं होगा। मान लीजिए आप गोल्ड की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना ज्यादा वेस्टेज जाएगा ना, वो वेस्टेज बचेगा यहाँ से। यहाँ पे रो पे जाइए, रो पे जाके 150 कर दिया हमने, इंटर कर दिया, एकदम पास पास हमारा एकदम। अब इतना पास भी नहीं रखना है, आपने कभी फोटो स्टूडियो पे गए होंगे जहाँ पे फोटो वाले फोटो कटते हैं, आजकल तो फोटो लोग खिंचवाते ही नहीं है, पहले खिंचवाते थे तो वहाँ पे लोग कट करते थे, तो प्रॉपर साइज से वो कट करता था, उसके पास एक मोल्ड होता था जिसपे फटाफट वो कट करते थे, कटर। ठीक है, आजकल तो नहीं मिलता है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, करेक्ट, और इसके बाद इंटर। अब इसको अगर हमको देखना है आर ई इंटर करिए और देखिए, ये देखिए आपके सामने 100 मोल्ड एक बार में बन गया ना, टाइम सेव हुआ। अगर इसमें से किसी मोल्ड को डिलीट करना है, क्या किसी मोल्ड को डिलीट करना है, आजकल चल रहा है योगी जी का और मोदी जी का थोड़ा बहुत चुनाव, तो मान लीजिए उनकी चेयर्स लगी हुई, उनके भाषण की चेयर्स लगी हुई है, और मान लीजिए ऑडियंस कम है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ चेयर्स को हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, देखिए भीड़ की जनता नहीं आई, तो आपको टेंशन नहीं है। आप क्या करो, कुछ चेयर हटा दो, जनता को दिखाई नहीं पाएगी, मीडिया सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद इसको तोड़ दो, इसको क्या कर दो, तोड़ दो। जैसे तोड़ दोगे तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। उससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ, फिर इसको हम डिलीट करके देखेंगे। वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ऐसे ही 100 के ऊपर एक दूसरा 100, फिर तीसरा 100, चौथा 100 लेयर्स बन जाए, तो लेयर्स कैसे बनाएंगे, लेवल्स कैसे बनाएंगे, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका नाम होता है लेवल्स। हमने लेवल पे क्लिक किया और लेवल पे क्लिक करने में, जैसे पिज्जा देखा ना, पिज्जा जो फैमिली वाला पिज्जा बनाते हैं, आप बड़ा वाला पिज्जा लेते हो, एक पिज्जा उसके बाद बीच में कुछ रखता है स्टूल जैसे यार, वो उसके बाद ऊपर वाला रखता है, तो वैसा ही अगर हमको एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखना है तो क्या करना है, लेवल्स पे जाना और यहाँ पे आके 10 इंटर कर दिया। मान लीजिए हमको 10 लेयर चाहिए, और हाँ 10 लेयर्स के साथ ही साथ
के बीच में गैपिंग्स भी चाहिए, तो गैपिंग कितना कितना दे दिया हमने, 10 10 की गैपिंग दे दिया। चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं टॉप व्यू कंट्रोल है ये। यहाँ पे क्लिक करके टॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक, एस डब्ल्यू मतलब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक से हम लोग देखते हैं। तो इसको हम 3D में डीप में बताएंगे जब 3D पढ़ने लगेंगे कि एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे कई ढेर सारे रेक्टेंगल आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो मतलब एक बार में हमने कितने मोल्ड तैयार कर लिए, 1000 मोल्ड तैयार कर लिए इजिली, करेक्ट। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करके फिर से टॉप पे चले गए। आपको समझ आ गया ना ये अच्छे से? तो इस तरीके से इसके लिए शीट बटन होती है और शीट बटन से आप इसको घुमा के प्रॉपर देख सकते हो किस तरीके से कितने वोल्ट हमने तैयार किए। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने टॉप पे क्लिक कर दिया। अब मुझे कुछ चेयर्स को डिलीट करना है, कोई बात नहीं यार, सेलेक्ट करो। और डिलीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये यूनिटी में अगर डिलीट किया तो सब एक साथ भाग जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सप्लोड कर देना, तोड़ देना, जिससे एक साथ लोग ना भाग सके। उसके लिए एक्स शॉर्टकट की होती है एक्सप्लोड की, मैं दिखा दूंगा कमांड कहां पे, इंटर। अब आप चाहें तो रैली में अगर ज्यादा लोग नहीं है तो आप इनको सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से डिलीट करते हैं। अगर सबको इस तरीके से डिलीट कर दिया तो हम लोग अब हमको जितने यूज में आएंगे उतने यूज कर लें, जितने नहीं चाहिए उतने हम डिलीट कर देंगे। चलिए यहाँ पे सेकंड है जिसका नाम है पाथ हेरे। पाथ हेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ ये अपने इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके रूफ है, आपके घर के सामने रूफ, जो रूफ है रूफ के ऊपर आपको रेलिंग लगानी है, मान लीजिए रूफ का जो एरिया ऐसे है और यहाँ पे आपको एक रेलिंग मैंने बना के दे दी, अज्यूम करिए बहुत अच्छी वाली रेलिंग है, यहाँ पे मैं बना नहीं सकता अभी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक रेलिंग बनाई और ऐसे ही मैंने कहा कि मुझे ढेर सारी रेलिंग बताओ यहाँ तक कि कितनी रेलिंग्स लगानी पड़ेंगी। तो आपने बोला ठीक है मैं एक मिनट चेक करके बताता हूँ, आपने सेलेक्ट किया इसको और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गया और यहाँ से लिया आपने पाथ हेरे। पाथ हेरे लेने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करके आपने देखा अरे तो बहुत पास पर रेलिंग हो गई, आपको क्या चाहिए थोड़ा देखना चाहिए बीच में, इनके बीच में गैपिंग चाहिए। यहाँ पे ना आपका आइटम्स जो है क्लोज रहता है, ब्लॉक रहता है, पता हूँ कैसे ओपन करते हैं, और उसके बाद केवल बिटवीन गैपिंग खुली रहती है। तो बिटवीन गैपिंग को करना इसको यार देखो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को गेम की तरह खेलोगे ना बड़ा मजा आता है इसको चलाने में, कोई भी सॉफ्टवेयर हो यार उसको प्यार से करो बस। चलो बिटवीन गैपिंग हमने कितना लिया, 10 और 10 लेके एंटर कर दिया। अब आप कहोगे सर अभी भी तो दूर दूर तक है ये, मतलब अभी भी प्रॉपर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं यार 50-50 कर देते हैं, यस इट्स प्रॉपर राइट। लेकिन 50-50 में होगा क्या कि इनका तो काम हो गया, इस बेचारे का क्या होगा, इसका तो 50 पड़ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 50 नहीं आ रहा है, ये 20 होगा 29 होगा, स्पेस बच गया है तो ये वेस्टेज में चला गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसको दूसरे रूल से करना पड़ेगा। और रूल ये है कि यहाँ पे आइटम को ओपन करना पड़ेगा, कैसे, मेजर पे जाइए और मेजर पे जाके यहाँ पे आपको डिवाइड से कमांड लेंगे, ये देखिए प्रॉपर हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, 51.47 mm पे अगर आप लगाते हो तो प्रॉपर 32 लेयर्स 32 आपके आ जाएंगे रेलिंग्स और आप मार्केट से मंगवा के लगवा लो, ठीक है। तो हमने दो मेथड देखा, एक मेजर एक डिवाइड। मेजर में क्या होता है, बिटवीन गैपिंग देना पड़ता है। आप मान लीजिए गैपिंग दे दिया हमने, हमने कहा हमारे पास उनको जो गैपिंग चाहिए वो चाहिए 60 का, तो बोला कि अच्छा ठीक है लेकिन इसको प्रॉब्लम यही जाएगी कि हाँ बच जाएगा और आपका शो खराब हो जाएगा। तो आई थिंक आप क्या प्रीफर कर सकते हो, डिवाइड कमांड। डिवाइड में क्या होता है, प्रॉपर आप एकदम एक्यूरेट, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करने में 61.37 ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट अच्छा है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। चलिए एक दूसरी कमांड और बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड, इसका नाम है पोलर एरे। पोलर एरे क्या करता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, दिखाता हूँ कैसे। देखो इसको हमने देखिए एक्सप्लोर करने का जिसको जो मेथड है सेम है जैसे रेक्टेंगुलर का था। तो यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड होता है, एक्सप्लोर कमांड लीजिए और लेके यहाँ पे क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए या एक्स एंटर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए ये जो ये है पोलर एरे, देखिए कैसे इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए ये आपके घर का डाइनिंग टेबल है और ये जो है आपके फादर की चेयर है, ठीक है, यहाँ पे आपके पापा बैठते हैं और आपके घर में टोटल 10 मेंबर्स है, कितने मेंबर है, जॉइंट फैमिली है तो 10 मेंबर्स है, तो 10 मेंबर्स हैं तो 10 मेंबर्स को कैसे आप एग्जैक्ट वैसे 10 चेयर्स लानी पड़ेंगी, बट अगर आप कॉपी करके लगाओगे तो प्रॉपर बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। तो प्रॉपर कैसे बैठाएंगे, एंगल पे कैसे बैठाएंगे, मतलब जैसे ताज होटल में जाते हो तो एकदम प्रॉपर रहता है ना, वैसा अगर आपको चाहिए तो कैसे करोगे, उसके लिए सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होता है
पोलर एज, ठीक है, पोलर एज पे क्लिक करो और क्लिक करके यहाँ पे जैसे कॉर्नर कर्सर रखोगे, क्लिक नहीं करना, कर्सर क्यों रखना है, तो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे और क्लिक करके आइटम डालोगे, मान लो आपको क्या चाहिए, 10 मेंबर्स आपके घर में, 10 इंटर कर दिया, देखिए प्रॉपर टेबल लग गया ना कॉर्नर पे, शादियों में लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इजिली लगा सकते हैं। इसके रो में भी चाहिए तो आप रो में बढ़ा सकते हो, अगर रो में 5 चाहिए तो आप ले दो ऐसे। अगर लेवल्स में चाहिए, लेवल समझ गए ना, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, अगर वैसा चाहिए तो उस पर भी क्लिक कर दो और एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक पे जाके देख लो। मुझे लगता है आपको तीनों एरे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब एक और इसी एरे को एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, पोलर एरे को, मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है तो आपको दिखाता हूँ, मुझे आपको भी मजा आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक सर्किल है, एक ऐसा ढेर सारे सर्किल इकट्ठा करना है, उसके लिए आप सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओ और यहाँ से पोलर एरे लो, और लेने के बाद जैसे यहाँ पर क्लिक करो कि तो देखिए क्या हो गया, ढेर सारे बन गए। इसी पर आप आइटम दे दो 50, कितने 50, देखो मजा क्या आएगा, ये देखिए आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सा रंगोली जैसा बन जाएगा, ठीक है। अब बाकी आगे आपको पढ़ाऊंगा क्या, आपको आगे पढ़ाऊंगा हैच, जिसमें ग्रेडियंट नाम की कमांड होती है जिससे आप कलर फिल कर सकते हैं इसके ऊपर, उसमें भी थोड़ा सा टाइम है, सबर करिए, शायद नेक्स्ट सेशन में वो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे सेशन जो है ना वो अल्टरनेट आते रहेंगे, मीन्स एक अभी आया, एक मॉर्निंग में आएगा आपको, एक कल इवनिंग में फिर से आएगा, फिर परसों मॉर्निंग में आएगा। तो आप एक साथ लगे रहिए, और साथ ही साथ इनके साथ मैं आपको ड्राइंग शीट दे चुका हूँ, नहीं पता तो फर्स्ट वाले मेरे ऑटोकैड की वीडियो में जाइए, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर नहीं है तो आप कमेंट करो, मैं आपको देता हूँ फिर से, वैसे है तो वैसे ही आपकी ड्राइंग की प्रैक्टिस ना, जैसे अभी कमांड प्रैक्टिस किया हमने, अब ऐसे इसी के साथ ही हम लोग ड्राइंग भी बना लेंगे ना, तो ये कमांड जो यहाँ पे बैठ जाएगा, कॉन्सेप्ट पे बैठ जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो देखने से नहीं आएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार दो बार देख के फिर से प्रैक्टिस करने का, और प्रैक्टिस करके फिर प्रॉब्लम आए तो फिर देखने का। इस तरीके से अगर आप चाहते हो तो आपको किसी इंस्टीट्यूट नहीं जाना पड़ेगा और प्रॉपर आप सीख लोगे। चलिए मैं उसके लिए आपके लिए लाइव क्लासेस भी करूंगा, अगर आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो एक लाइव क्लासेस में जो आपके डाउट्स रहेंगे वो भी क्लियर कर दूंगा मैं स्काइप से, किसी भी वीकेंड्स पे, वीकडेज पे तो मैं खाली नहीं रहता, लेकिन वीकेंड्स पे मैं कुछ कर सकता हूँ। चलिए अब मैं इसी पे एक ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लेयर बनता कैसे है, इलिप्स बनता कैसे है। देखिए कैसे, मेरे पास एक ड्राइंग है, मैंने ड्राइंग शीट आपको दिया है, जिसके जिसके पास है उसको उसको पता होगा। अब मुझे ना ये ड्राइंग शीट बार बार ऐसे करके देखने से बड़ा टाइम जाएगा, ये किया फिर किया फिर किया फिर किया, टाइम लॉस हो रहा है। इससे कहीं बेटर है आप यहाँ से स्निपिंग टूल लो, नहीं आपके लैपटॉप में यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सर्च करना सर्च बॉक्स में, चाहे विंडो 7 हो चाहे 8 हो, सबके विंडो में है, ठीक है। यहाँ पे एस एन जैसे ही करोगे आपका स्निपिंग टूल आ जाएगा, इसको क्या कर लेना, टास्क बार कर लेना, यहाँ पे पिन टू टास्क बार कर लेना, मैंने किया हुआ है। तो इससे क्या होता है ना, इसे आपने ऐसे क्लिक किया और यहाँ से न्यू, और न्यू क्लिक करके जैसे ही क्लिक करके यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डायमेंशन देके एक वीडियो एक यहाँ पे यहाँ तक बना लिया इसको। अब इसको हम सेव कर लें, कहाँ, मान लीजिए हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, सेव कैप्चर डेस्कटॉप, ओके। चलिए इसको क्या करेंगे, इसको हम बुला लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्राइंग देखते रहेंगे बगल में, और बगल में हम ड्राइंग बनाते रहेंगे। चलिए तो यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करना है, उसके लिए कमांड होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड, इसका नाम है एक्स आर ई एफ, एक्सरे इंटर। मॉर्निंग का जो सेशन होगा उस पर केवल केवल ड्राइंग बनी होगी, तो आपको मजा आएगा कि ड्राइंग कैसे बनाते हैं और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम उसमें ड्राइंग रहेगा, तो आप मॉर्निंग में 7 o'clock पे आप वीडियो देख सकते हो, उसमें प्रॉपर आपको लिखा रहेगा 7 to 7:30 के बीच में, नॉट 7:30 एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके अटैच इमेज करेंगे, और अटैच इमेज करने के बाद आपको पूछेगा कहाँ पे आपकी इमेज, मैंने बोला ये कैप्चर है, हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ओपन, और उसके बाद ओके, और आप रख दो जहाँ पे रखना हो, क्या स्केल रखना है, स्केल भी यहाँ पे से रख दो और एंटर। अब फायदा क्या होगा कि आप यहाँ से डायमेंशन देखते रहो और यहाँ पे बनाते रहो, और इस ड्राइंग को केवल एक बार मत बनाना दोस्तों, क्यों, क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पर कैट की क्लियरली टाइम देते हैं कि आधे घंटे में बना के दिखाना है, 15 मिनट बना के दिखाना है, तो आप क्या, आपने अगर एक बार बनाया ना तो बना तो लोगे, बट 3 घंटे में बनाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए एक ड्राइंग को 4 से 5 बार, मैंने 10 बार प्रैक्टिस किया है, क्यों, जिससे कि मेरे हाथ की फिनिशिंग आ जाए उसके लिए। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेंटर एलिप्स लिया, और सेंटर एलिप्स लेने के बाद देखिए अंदर वाला एलिप्स जो है उसका 100 और ये कितना है 50, मतलब 100 का कितना हो गया रेडियस 50 और इसका 25, तो 50/25 का एक बना देते हैं, 50 × 25 × ये देखिए बन गया। अब देखिए ये जो एलिप्स है बहुत छोटा है और ये ड्राइंग इतनी बड़ी है, तो इसको क्या करो, सेलेक्ट करके
यहाँ पे स्केल नाम की कमांड होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्केल को थोड़ा डीप में बताऊंगा, अभी जस्ट ऐसे देख लीजिए, स्केल लिया, क्लिक किया और क्लिक करके इसको छोटा कर दिया, कितना 0.05 छोटा कर दिया, इसे दोनों बराबर में रहे। इसको बुला लो यहाँ से, मूव कमांड होती है यहाँ पे, यहाँ से लीजिए और यहाँ से बुला दीजिए इसको जहाँ रखना है। हमने ऑर्थो को ऑफ किया जिससे कि पास में आ सके, क्योंकि ऑर्थो अगर ऑन रहेगा ना तो इसको इधर उधर नहीं ले जा सकते, मतलब केवल सीधे ले जाना पड़ेगा। अब ऑर्थो को ऑन कर दीजिए। सेकेंड जो एलिप्स है वो कितने का है, 120 और ये कितना है 70, मतलब 120 मतलब 60, 120 मतलब 60, यहाँ पर लिया 60 और दूसरा डिस्टेंस कितना है हमारा 70 मतलब 35, ये बन गया। चलिए एक तरह का काम हो गया, बीच का काम हो गया इसका। और इसके बाद ये जो काम है इसके लिए यहाँ पे हेल्प दिया हुआ है। इस हेल्प में क्या है, आउटर रेडियस 20 है, इनर रेडियस 10 है। उसके साथ यहाँ पे देखिए एक लाइन गई हुई बीच में जो रेड कलर की दिख रही होगी, ऐसे कितनी लाइन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस गई हुई। चलिए देखता हूँ कैसे बनते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्किल लीजिए, सर्किल लेके इस पे रेडियस दीजिए, सपोज इसका रेडियस दे रहा हूँ 20, फिर एक रेडियस दिया हमने, बन गया। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लीजिए जो रेड वाली लाइन है, उसके लिए आप एक लाइन खींचिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और लाइन खींचने के बाद इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके यहाँ से आपको पोलर रे लेना है, और पोलर रे लेने के बाद क्लिक करिए, और क्लिक करके यहाँ पे आइटम्स दे दीजिए, कितने 10, एंटर एंटर, ये बीच का बन गया। अब इसमें क्या, एक लाइन ऐसे क्या हुआ, एक लाइन ऐसे क्या हुआ, उसके लिए आप लाइन कमांड लीजिए और एक लाइन ऐसे, और अभी आपको मिरर सिखाया इसलिए मिरर यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट मिरर कमांड, ये देखिए फटाफट बन गया। ऐसे कितने ब्लॉक चाहिए, 1 2 3 4 5, तो इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए और इसको आइटम्स 5, ठीक है। अब इसको अगर आप इसको एक्सप्लोर कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो आप इसको अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक्सप्लोर कर दिया हमने, और यहाँ पे मिडिल का काम है क्या, हाँ अभी जरूरत है। और अभी क्या है, यहाँ पे एक आर्क बना हुआ है, जो कौन सा आर्क है, स्टार्ट इन एंगल, और एंगल कितना है 100 या मोर देन दैट। तो यहाँ से हम गए आर्क पे, और आर्क को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा डीप में। अभी हमने ले लिया स्टार्ट इन एंगल, यहाँ से कुछ नहीं करना होता, आर्क इसमें उल्टा चलता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है फर्स्ट, एंड सेकेंड पॉइंट इसको मानना है, उसके बाद 100 इसको दे देना है। इसके बाद यहाँ देखिए अंदर आया हुआ है, ये अंदर कितना आया हुआ है, ये 1 रेडियस अंदर आया हुआ है, ठीक है। 1 रेडियस 1 का ऑफसेट अंदर आया हुआ है, कल ऑफसेट पढ़ाया था जो लास्ट वीडियो में, मतलब फर्स्ट लेक्चर में, जिसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑफसेट या ओ इंटर क्लिक, और अंदर क्यों आना है तो 1 इंटर इस तरीके से। अब देखिए ये एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, तो ट्रिम कमांड पढ़ा है ना, ट्रिम राइट क्लिक, और इसके बाद इसको ट्रिम किया, और ट्रिम करने के बाद इसको ट्रिम कर दिया बस। अब इसको सेलेक्ट करिए दोनों को, और सेलेक्ट करके कैसे, कितने चाहिए 5 पोलर एरे, और पोलर एरे करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से क्लिक कर दिया हमने, देखिए। और इसके बाद इसको सेलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, आई थिंक इसका काम नहीं है, तो हमने देखिए इसको डिलीट कर दिया। और उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, उठा के ले चलते हैं अपने ड्राइंग के ऊपर रख देते हैं, बड़ा ही ईजी है। इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसके इस पॉइंट को पकड़ देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, इस पॉइंट को पकड़ के इस पॉइंट पर रखना है, मूव पॉइंट लिया, मूव पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब देखिए अंदर का सारा कुछ ट्रिम करना है, तो हम लोग फटाफट ट्रिम पे चलते हैं, और इसके लिए बाहर का तो चाहिए ही नहीं, तो इसको हमको डिलीट ही कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रिम, ये देखिए फटाफट हम ट्रिम पे चले जाएंगे, ठीक है, अब प्रॉपर मूव करेंगे तो प्रॉपर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, और इसके बाद आई थिंक कंप्लीट, हाँ। अब इसके बाद इनर वाला आप इसको क्लिक करिए, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, और इन सबको सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और सेलेक्ट करके यहाँ पे मिरर कमांड लीजिए, और इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करके एंटर करेंगे देखिए इधर ही बन गया। अब यहाँ पे इसको ट्रिम कर दीजिए बस, ट्रिम एट क्लिक, इस तरीके से ट्रिम कर दिया हमने इसको, ये भी ट्रिम करना है क्या, हाँ ये भी ट्रिम कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए,
ये कर दीजिए और ये कर दीजिए, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ट्रिम कर दिया। अब ये इनर वाला तो आप बना लोगे, क्योंकि इसमें क्या करना है, यहाँ से आपको आना है यहाँ तक, और यहाँ पे 10 ऐसे के बॉक्स खींचना है, फटाफट बन जाएगा। तो आई थिंक इसको बनाने की जरूरत नहीं है मिड वाले को, तो आप इजिली बना लोगे इसको। कोशिश करना, नहीं बनता तो बताना यार, उसको भी बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ड्राइंग को तैयार किया, और इसी तरीके से हमने एरे, तीनों टाइप के एरे देखे आज कल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रदर, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज यार शेयर करो, और मुझे ना जैसे व्यूज मिलते हैं, जैसे ही सब्सक्राइबर मिलते हैं, एनर्जी आ जाती है यार, और करते हैं और पहुंचाते हैं इनको। बहुत कुछ सिविल इंजीनियरिंग में मैंने सीखा है, मैं आप तक बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। 13 सॉफ्टवेयर मेरी मास्टरी है, मैं सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा मैनुअल डिजाइन, जिसके लिए मैं अभी कैमरे के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कैमरा आ गया तो मैं आपको लाइव क्लासेस आके अच्छे से कोशिश करूंगा उसके लिए भी। बट मुझे आपसे बस इतनी चाहिए कि आप बस शेयर करो यार, और जितना शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, और आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं ज्यादा नए टॉपिक्स लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, थैंक यू, वेलकम एंड वेलकम बैक, प्लीज अगेन एंड अगेन आइए और लोगों तक शेयर करिए।